एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद पुलिस की क्राइम मीटिंग पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। मीटिंग में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक वर्मा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित सभी सीओ थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करके आवश्यक कार्रवाई करें तथा भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। एसएसपी ने कहा कि संवेदनशील बूथों और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लें तथा वहां व्यवस्था बिगाड़ने या चुनाव में खलल डालने वाला पर कार्रवाई करें। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया अच्छा तुम महापुर में गए हो, आजू बाजू में तो कचरा निकल रहे हो, आजू बाजू बैठे ही हो, पंजाब पानी निकल रहा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। संत कबीर का नाम बता कर ज्यादा समय झरना टोला वाला क्षेत्र सर हम लोग का थोड़ा हो रहेगा सर, वहाँ कस्टमर मोबाइल वाले थोड़ा 10-20 मतदान केंद्रों पे एक छोटी की वर्दी और अगर हम 5 मतदान केंद्रों पर एक भी माने तो 500 इंस्पेक्टर मान के चले, 500 सब इंस्पेक्टर एक एनसीआर है। अच्छा होल्डन है सर स्टेट अफसरों और सभी थानेदारों की, प्रभारी निरीक्षकों और थाना अध्यक्षों की आज मीटिंग हुई है जो आने वाले त्यौहार के सीजन महाशिवरात्रि होली को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ इलेक्शन की तैयारियों की जायजा लेने के लिए एक मीटिंग लगी गई। इसमें अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा हुई और सभी थानेदारों को उचित निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ किस तरह अपराधियों पर लगाम रखें और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था अपराध पर नियंत्रण रखें। जी इलेक्शन चूंकि अभी कभी भी घोषित हो सकते हैं इसकी संभावना है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, थानेदारों के आचरण कैसे होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या होमवर्क करना है, किस किस किस्म की तैयारी करनी है, किस तरह से अपने इलाके पर कमांड कंट्रोल रखना है जिससे कि लोगों को हम निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। संवेदनशील बूथों के लिए जी संवेदनशील बूथों के लिए एडवांस में जो कार्रवाइयाँ करनी है, बहुत सारे लोगों को पाबंद करना होता है, चिन्हित करना होता है और असलहे जमा करने होते हैं, इन सब सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी थानेदारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से।